और एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्नाव के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं साक्षी महाराज, उन्होंने भी बड़ा बयान दे दिया है। वो राय दे रहे हैं हिंदू राष्ट्र नहीं राम राज्य चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी को अवतारी पुरुष बता दिया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को ईश्वर का रूप बता रहे हैं साक्षी महाराज। मुसलमान बदल गए हैं या बीजेपी बदली है, क्या हुआ है ये? बीजेपी तो वही है जो कहती है वही करती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमने कहा था कि हम मंदिर बनाएंगे तो बनाया, वही बनाया। बीजेपी नहीं बदली है, मुसलमान को जो डराया गया, धमकाया गया, बहकाया गया, वो मुसलमान की समझ में आ गया कि बीजेपी के बारे में जो कहा गया कि बीजेपी आ गई तो मुसलमान को खा जाएगी, हम तो लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, मुसलमान को कैसे खा लेंगे, तो मुसलमान की समझ में आ गया कि ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं अपने स्वार्थ के कारण हमें केवल बहकाने का काम किया गया था। जैसा चेहरा बीजेपी का प्रस्तुत किया गया था, बीजेपी वैसी नहीं है, बीजेपी की अच्छी पार्टी है। तो आप लोगों ने अब ये हिंदू राष्ट्र वाली मांग छोड़ दी है, हम ये भी कह सकते हैं अगर वो बदले हैं तो आपका भी ये स्टैंड बदला है? देखिए, हिंदू राष्ट्र और राम राज्य दोनों में एक बुनियादी अंतर है। बहुत मंथन चिंतन करने के बाद मेरी समझ में आया हिंदू राष्ट्र तो कंस का भी था लेकिन ठीक नहीं था, कई आतताई राजाओं का हिंदू राष्ट्र था लेकिन ठीक नहीं था, लेकिन रामराज दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कहू नहीं व्यापा। तो 22 जनवरी को राम राज की स्थापना हो गई, इतना बढ़िया राज्य जब मोदी जी ने बना दिया तो उसके आगे फिर हिंदू राष्ट्र का अपना कोई अर्थ नहीं रह जाता है। एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि मोदी जी के बारे में आपकी क्या राय है, कब तक मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं? देखिए, जो मैंने 8 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया और मैं एक निर्मल पंचायत अखाड़े का धर्माचार्य हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर हूँ, जितनी मेरी से हो सकती है भजन साधना तपस्या मैंने की है और मैं जो देख पा रहा हूँ दूरदृष्टि मेरी है, मोदी कोई व्यक्ति नहीं है, मोदी के नेता नहीं है। भगवान ऐसे लोगों को अंशावतार के रूप में भेजते हैं, तो मेरी समझ से मोदी कोई अवतारी पुरुष हैं जो धर्म की स्थापना करने के लिए, ईश्वर के अवतार आप कह रहे हैं, ईश्वर के अवतार हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और राष्ट्र का उत्थान करने के लिए ये धराधाम पर आए हैं। इसलिए वो व्यक्ति बिना रुके बिना झुके 24 घंटे राष्ट्र सेवा में लगे ही रहते हैं। 24 से 29 आपके मुताबिक टर्म, और उसके बाद कब तक प्रधानमंत्री, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। आप सन्यासी हैं, कुछ भविष्य भी आप समझ ले रहा हूँ, जब तक भगवान करे मोदी जी को मेरी आयु मेरा जीवन भी लगे, जब तक मोदी जी का शरीर है तब तक इस हिंदुस्तान में वही होगा जो मोदी जी चाहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।